Presenting the Sony Digital Vlog Camera ZV-1 in color black. The 20.1 megapixel ZV-1 is designed to capture amazing videos of you and your world without any tricky setup. Great sound quality with directional 3-capsule inbuilt mic with windscreen. Make your reviews stand out with product showcase setting. Variangle LCD screen for selfie shooting with confidence. 4K movie recording with video IAF and real-time tracking that captures natural skin tones for everyone. Even while walking, you get smooth, highly stable imagery thanks to the Steady-Shot Joint Optical and Electronic Stabilization System. Capture moments in super slow motion to easily add drama and magic to your videos. One push bokeh effect for professional touch. Time-lapse feature adds cinematic expression to the passage of time. You can send videos to your smartphone anywhere with Imaging Edge Mobile. The product dimensions are 10.5 into 4.4 into 6 cm and weighs 294 grams. It has back illuminated 1-inch XMOR RS CMOS sensor, DRAM, large aperture 24 to 70 mm, 1 f1.8 to 2.8 Zeiss Vario Sonar T lens. It has Bluetooth for connectivity. A mic jack is provided for an external mic for higher sound quality. The camera has fast and precise focus transitions. Inside the box, you will find 1-unit ZV-1 camera, 1-unit rechargeable battery pack, NP-BX1, 1-unit micro USB cable, 1-unit windscreen, 1-unit windscreen adapter, 1-unit SD card, SF64UX2, and 1-unit instruction manual. The camera comes with standard brand warranty. For EMI options, refer to product detail page. Pay online using debit or credit card and net banking. 10 days return or replacement policy for damaged or defective product. For further information, visit the product detail page. तो हाय गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं हूं आप लोगों का होस्ट एंड दोस्त पुनीत सपनानी, और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आप कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो सोनी ZV-1 को यूज करके। सो बेसिकली ZV-1 ऑलरेडी एक बहुत पावरफुल कैमरा है फॉर व्लॉगर्स के लिए। इसमें ऑल इन वन सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, लाइक इफ यू वांट टू शूट गुड इमेजेस, गुड वीडियोस, वो सारे ऑप्शन सब कुछ मिल जाते हैं। बट नाउ इस अपडेट के बाद में कैमरा लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सो इस अपडेट को करके आपका जो कैमरा है वो USB के थ्रू लैपटॉप से कनेक्ट होकर के लाइव स्ट्रीमिंग कर सकता है। उस प्रोसेस के बारे में हम लोग पूरा समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप अपने कैमरा को अपडेट कर सकते हो और कैसे इससे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, वो सब कुछ इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं बिना वक्त गवाए। आप लोगों को किन किन चीज़ों की जरूरत होगी टू गेट दैट स्ट्रीमिंग फंक्शन स्टार्ट इन योर कैमरा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को चेक करना ये जरूरी है कि आपका जो वर्जन है वो 2.0 पे है या नहीं है। अगर आपका कैमरा का वर्जन 1.0 पे, इन केस ऑफ दैट आपको अपने कैमरा को अपडेट करने की नीड है नए सॉफ्टवेयर पे। अपडेट करने के लिए आपको सिंपली अपने PC विंडो या मैकबुक के लैपटॉप पे जाना है, एंड देन उसके बाद आपको सर्च करना है सोनी ZV-1 सॉफ्टवेयर अपडेट, एंड देन सबसे पहला वेबसाइट जो है ये ओपन होगा, दैट इज ZV-1 सॉफ्टवेयर सिस्टम फर्मवेयर अपडेट वर्जन 2.0, और आपको ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद में सिंपली इस एप्लीकेशन को ऑन करना है, अपने कैमरा को फुल चार्ज करना है, एंड अपने कैमरा को वाया USB अपने लैपटॉप से कनेक्ट करना है, एंड देन इस एप्लीकेशन को रन कर देना है। विद इन 1 मिनट के अंदर आपका कैमरा जो है वो सॉफ्टवेयर पे अपडेट हो जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड स्टेप, जब आपने इसको अपडेट कर लिया, आफ्टर अपडेट आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने की नीड है इफ़ यू वॉन्ट टू कनेक्ट दिस कैमरा एज इन वेबकैम ऑन योर लैपटॉप। अब वो क्या है वो मैं आप लोगों को अब बताने वाला हूँ। नाउ आफ्टर अपडेटिंग योर कैमरा आपको सिंपली अपने कैमरा मेन्यू 2 में आना है, एंड कैमरा मेन्यू 2 में आने के बाद में यहाँ पे आपको पेज नंबर 4 में आना है। पेज नंबर 4 में आपको USB स्ट्रीमिंग का ऑप्शन दिखाई दे देगा। अगर आपको USB स्ट्रीमिंग का ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा तो अगेन आपको अपना सूटकेस में आकर के वर्जन चेक करना है कि आपके कैमरे का वर्जन स्टिल 1.0 पे तो नहीं है। इस तरीके से वर्जन चेक करेंगे तो यू विल सी के 2.0 आपको यहाँ पे शो करेगा। नाउ सिंपली आपको अगेन वापस मैं आपको ले चलता हूँ मेन्यू 2 पे, एंड यहाँ पे मुझे पेज नंबर 4 पे आना है,
एंड पेज नंबर 4 पे यू विल सी के यूएसबी स्ट्रीमिंग का ऑप्शन अवेलेबल है। यूएसबी स्ट्रीमिंग के ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे आपका कैमरा जो है वो वेबकैम मोड के ऊपर कनेक्ट हो जाएगा एंड देन यू कैन सी कनेक्ट अ यूएसबी केबल और इफ यू वांट टू कैंसिल योर यूएसबी स्ट्रीमिंग देन प्रेस मोड बटन। तो अगर आपको इस मोड से निकलना है तो आपको मोड बटन को प्रेस करना है, वरना आप स्ट्रीमिंग मोड पे आ चुके हैं, आपको सिंपली इसे यूएसबी से कनेक्ट करना है एंड लैपटॉप पे से कनेक्ट करके एंड देन यू हैव टू स्टार्ट स्ट्रीमिंग योर कंटेंट। तो अब चलते हैं लैपटॉप के प्रोसेस की तरफ। लैपटॉप पे स्ट्रीम करने के लिए मुझे सिंपली एक यूएसबी केबल की नीड है और मुझे कैमरा से इसे कनेक्ट करना होगा, तो मैं अभी इसे कनेक्ट कर देता हूँ थ्रू यूएसबी। आफ्टर कनेक्टिंग आपको सिंपली अपने किसी भी स्ट्रीम डिवाइस में जाना है, तो मेरे यहाँ पे स्ट्रीम के लिए जो मैं डिवाइस या वेबसाइट यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ StreamYard। और यहाँ पे जैसे ही मैं अपने वेबकैम की सेटिंग्स में जाऊँगा तो यहाँ पे जनरल कैमरा की सेटिंग्स में मुझे ऑटोमेटिकली ZV-1 का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा, तो ZV-1 एज एन वेबकैम मेरे कैमरा के तौर पे मेरे लैपटॉप पे कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं एक बार कट करता हूँ एंड यू कैन सी मैं जैसे मेरा वेबकैम को ऑन करूँगा तो ZV-1 की जो फीड है वो मेरे कैमरा की आपको आउटपुट में दिखाई देने लग गई। अब मैं एंटर ब्रॉडकास्ट स्टूडियो में होता हूँ एंड देन मैं अपने बेसिकली जब भी मैं StreamYard पे काम करता हूँ तो इस तरीके से यू नो ऐड कर देता हूँ अपने स्ट्रीम को। तो यू कैन सी एक हाई क्वालिटी का स्ट्रीम जो है वो ऑटोमेटिकली यू नो मेरे वेबकैम के तौर पे कनेक्ट हो गया है। नाउ मैं जस्ट गो लाइव पे क्लिक करूँगा और मेरा स्ट्रीम जो है वो होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको उसको OBS पे भी यूज़ करना है तो OBS पे भी इसके आउटपुट को लेकर के और स्ट्रीमिंग की जा सकती है। नाउ ये डायरेक्टली USB से वेबकैम बन गया है और इसका यूज़ करके आप मे बी बीच में सॉफ्टवेयर ऐड करके स्ट्रीमिंग कर सकते हो। जैसे राइट नाउ मैं यहाँ पे StreamYard यूज़ कर रहा हूँ और अगर आपको स्ट्रीमिंग करनी हो डायरेक्टली तो डायरेक्टली भी होना पॉसिबल है फेसबुक यूट्यूब पे। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है और आई पर्सनली लाइक दिस फीचर। यहाँ पे 720p का जो है वो डायरेक्ट आउटपुट आपको यूएसबी से लैपटॉप पे जाता हुआ मिलता है और आप डायरेक्ट इससे स्ट्रीमिंग कर सकते हो। तो बहुत ही कूल फीचर है, बहुत ही एडवांस फीचर है, आप फॉर श्योर अपने स्ट्रीमिंग के लिए इस फीचर को यूज़ कर सकते हो।